नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अनूपपुर जिले के तटीय क्षेत्र राजनगर निवासी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश शंकर दुबे ने राजनगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। आपने क्षेत्र के तालाब के सौंदर्यकरण, दुग्ध उत्पादों को संरक्षित करने के लिए विधायक जी द्वारा प्रस्तावित थर्मस प्लांट कही बात। क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी पर जताई आपने जताई चिंता। विधायक कोतमा का अपने क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम के लिए आभार व्यक्त किया। तालाब है मंदिर के बगल में, जहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी गंदगी कंडीशन बनी हुई है। साफ सफाई के लिए उसको संदिग्धीकरण के लिए क्या कदम उठा जाए? देखिए, ऐसा है कि इस सौंदर्यीकरण को लेकर जो भी हमारा नगर पंचायत स्थित में भी आया है, वो बेड अभी भी नहीं आया है। इसके पहले भी हम लोग के द्वारा कार्य प्रबंधक के जो श्रमिक नेता हैं उनके द्वारा जो प्रयास से कई बार सौंदर्यीकरण का प्रयास किया गया है, जो कुछ कार्य आप देख रहे हैं कार्य के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में कार्य की जो वित्तीय व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, इसका हवाला देकर अभी वहाँ पर कार्य प्रबंधन के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। परंतु ये उम्मीद है कि जैसे ही हमारा नगर पंचायत पूरी तरह अस्तित्व में आएगा,